गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम रिजवान खान और मैं स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल रिजवान खान ऑफिशियल पे। चलिए दोस्तों, हम लोग बात करते हैं अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है, जो परिस्थिति हो चुकी है इसके बारे में, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि हम सभी लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर है। तो ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, जो प्रेजेंट हमारी जो सिचुएशन चल रही है वो हमारे लिए फेवरेबल है या अनफेवरेबल है, मतलब परिस्थिति हमारे अनुकूल है या हमारे प्रतिकूल है। दोस्तों, अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो ये जो परिस्थिति चल रही है ये बिल्कुल हमारे अनुकूल है। पता है क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम डायरेक्ट सेलिंग करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग में होता है कि जब हम अपने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर आते हैं, हमारे सपने बहुत बड़े होते हैं, हमारे ड्रीम बहुत बड़े होते हैं, हम सब लोग उस ड्रीम को पूरा करने के लिए लोगों के बीच में जाते हैं। और लोगों के बीच में जाने का क्या तरीका है हमारे पास? हम लोग होम मीटिंग करवाते हैं लोगों के साथ, होम मीटिंग करते हैं लोगों के साथ। और जो होम मीटिंग होती है उसमें आप सभी लोगों को पता है कितने लोग होते हैं हमारे साथ में? कितने लोग होते हैं? 5, 7, 8, 10 लोग, कितने लोग होते हैं? सोचिए, जब ऐसी ऐसी होम मीटिंग करके हमने कितना बड़ा बिजनेस कर लिया, कितनी बड़ी इंडस्ट्री खड़ी हो चुकी है और लोग करोड़ों रुपये महीने की इनकम भी ले रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। तो जो होम मीटिंग इतने कम लोगों में होम मीटिंग करके इतना बड़ा बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं, तो सोचिए अगर दोस्तों यही होम मीटिंग हमारी 1000 लोग की हो तो कैसा हो? हाँ, शायद विश्वास नहीं होगा आपको। अब होम मीटिंग करवाता कौन है? होम मीटिंग दोस्तों करवाता है वो व्यक्ति जो एक्साइटेड मोटिवेट होता है ना। तो वो उसके पास 100 लोगों की लिस्ट होती है, 100 लोगों की लिस्टों में से वो कितने लोगों की होम मीटिंग करवा पाता है? कम लोगों की, राइट। तो इतने छोटे से आंकड़े पर काम करके हम इतना बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको पता है ये जो लॉकडाउन हो चुका है इसमें लोगों का माइंडसेट क्या हो चुका है? अब लोगों से तो मिलेंगे नहीं, कैसे करेंगे? ऑनलाइन आएंगे। अब सोचिए, एक व्यक्ति के पास 100 लोगों की लिस्ट है। अब 100 लोगों की जो लिस्ट है वो अलग अलग एरिया की है, अलग अलग जगह की है ना। 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर की दूरी पर लोग रहते हैं जो उसकी लिस्ट में। पहले वो करा नहीं सकता था, लेकिन शुक्रगुजार हैं, शुक्र मानिए इस लॉकडाउन का, कि लोगों का माइंडसेट चेंज हो चुका है। क्या चेंज हो चुका है? कि ऑनलाइन एजुकेशन ली जा सकती है, ऑनलाइन समझा जा सकता है। तो दोस्तों, इस लॉकडाउन ने ये समझा दिया है कि हम ऑनलाइन भी सीख सकते हैं, और लोग सीख भी रहे हैं, लोग कर भी रहे हैं। तो एक व्यक्ति जो पहले भी 5, 7, 8, 10 लोगों की होम मीटिंग कराया करता था, अब दोस्तों वही व्यक्ति आपकी कितने लोगों की मीटिंग कराएगा? हाँ, सही समझा। एक व्यक्ति 1000 लोगों की मीटिंग एक ही बार में करवा सकता है, लोग करवा भी रहे हैं। तो सोचिए कितना बड़ा बिजनेस आप कर सकते हैं, कितना बड़ा बिजनेस, कितना बड़ा बूम आने वाला है इस इंडस्ट्री के अंदर। एक्चुअली पहले होता क्या था, जो भी जिस व्यक्ति के पास लिस्ट बहुत बड़ी हुआ करती थी वो उन लोगों तक पहुंच ही नहीं पाता था। तो होता क्या था कि वो कुछ कम लोगों में जाता था, 4 लोगों ने मना कर दिया, 4 लोगों ने मना करने के बाद 87% लोग बिजनेस छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको ये विश्वास हो जाता है कि शायद हम लोग ज़्यादा लोग तक नहीं पहुँच पाएंगे। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो LNPs हैं उनकी एक बुक है, सवाल ही जवाब है, बहुत ही शानदार बुक है, जो लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग की बेसिक बुक है, उसमें वो एक कोटेशन उनकी कि नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता की सही कुंजी लोगों को तैयार करना नहीं बल्कि इतना अधिक सुनियोजित और अनुशासित बनना है, बनाना नहीं, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जल्दी जल्दी मिल सकें। औसत सुधारों को सीखने की प्रक्रिया है। तो अगर हम एक व्यक्ति के ज़्यादा लोगों से मिल लें, जल्दी लोगों से मिल लें, तो क्या होगा? हमारा बिजनेस बहुत और बहुत बड़ा हो जाएगा। और ये जो लॉकडाउन हो चुका है, इस लॉकडाउन में क्या दोस्तों, लोगों की जो मानसिकता है वो टूट चुकी है। पहले क्या मानसिकता थी? कि हमें फिजिकल जाके मिलना पड़ेगा, लोगों के घर जाना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा घर जाकर। लेकिन इस लॉकडाउन ने क्या सिखा दिया है? लॉकडाउन ने ये सिखा दिया है कि ऑनलाइन भी एजुकेशन ली जा सकती है, ऑनलाइन भी सीखा जा सकता है, ऑनलाइन भी वो समझा जा सकता है जो व्यक्ति फिजिकली घर में आकर समझाता आपको। तो ये ब्रेक माइंडसेट ब्रेक हो चुका है, लोगों का टूट चुका है। अब सोचिए कितना बड़ा बिजनेस आप करने वाले हैं आने वाले समय के अंदर। दोस्तों, जो बिजनेस आपने 2 साल में किया है ना, जो पिछले 2 साल के अगर 4 साल 5 साल में किया है, वो अगले 1 साल के अंदर होने वाला है। और दूसरा एक बार कि जब एक बार हमने नेटवर्क बना लिया है, नेटवर्क बनाने के बाद होता क्या है, हमें उनको डुप्लीकेट करना है, हमें उनको सिखाना है, हमें इनको सिस्टम में डालना है, जो कि अलग अलग एरिया में बहुत दूर दूर लोग हैं, उनको हम समझाएंगे कैसे, उनको हम ट्रेन कैसे करेंगे? इस ऑनलाइन के माध्यम से दोस्तों कितनी अच्छी बात हो चुकी है, कितनी अच्छी बात हो चुकी है कि एक व्यक्ति जो अलग अलग एरिया में, अलग अलग स्टेट में, अलग अलग सिटीज में जो लोग रहते हैं, एक ही टाइम पर, एक ही जगह पर, कम समय के अंदर आप उनको ट्रेन कर सकते हैं, आप उनकी ट्रेनिंग कर सकते हैं, आप उनके साथ काउंसलिंग कर सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं आप उनके साथ। कितने समय में? बहुत कम समय में। पहले अगर अगर टीम के साथ काउंसलिंग करनी है या कोई ट्रेनिंग करनी है, एक जगह पर मीटिंग डिसाइड हुआ करती थी और वहां पर अलग अलग एरिया से लोग आते थे। जब अलग अलग एरिया से लोग आते थे तो उनका टाइम लगता था, उनको भागना दौड़ना पड़ता था सिर्फ उसको अटेंड करने के लिए, वो समझने के लिए जो ऑनलाइन समझाया जा सकता था। लेकिन पहले ये माइंडसेट नहीं था। क्या माइंडसेट नहीं था? ये माइंडसेट नहीं था कि लोग फिजिकली जाए बिना सीखेंगे नहीं, लोगों के सामने बैठ के जब तक बैठेंगे तब तक सीखेंगे नहीं। लेकिन आज ये सीख चुके हैं दोस्त,
इस लॉकडाउन ने सिखा दिया है कि ऑनलाइन घर में बैठकर उसी जगह पर बैठकर बिजनेस को किया जा सकता है, बहुत बड़ा किया जा सकता है। सब कुछ वो समझा जा सकता है जो हम फिजिकली कहीं मीटिंग में किसी व्यक्ति के सामने जाके अटेंड करते हैं, जाके उसके सामने बैठते हैं। अब इससे हो क्या रहा है? इससे दोस्तों ये हो रहा है कि जो लोग आपके साथ हैं, जो लोग आपकी टीम के अंदर हैं, उन लोगों की मानसिकता भी चेंज हो रही है, उनकी मेंटेलिटी भी चेंज हो रही है, जो हम बहुत लंबे समय से चेंज करना चाह रहे थे, लेकिन इस लॉकडाउन ने चेंज कर दिया है। ये राइट टाइम है दोस्तों, राइट टाइम है, क्योंकि अब इस लॉकडाउन से क्या हो रहा है, हम लोग को ट्रेंड भी कर पा रहे हैं, हम लोग को डुप्लीकेट भी कर पा रहे हैं और तेजी से कर पा रहे हैं। जब ट्रेनिंग जल्दी से होंगी, लोग ट्रेंड जल्दी होंगे, लोग डुप्लीकेट जल्दी होंगे, तो बिजनेस घटेगा या बढ़ेगा? सिंपल से दोस्तों, बढ़ेगा नहीं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आने वाले समय के अंदर, देखिए आप अगले 4 साल 5 साल 7 साल के अंदर हो सकता है कि आपके घर में हेलीकॉप्टर आ जाए। ये पावर है डायरेक्ट सेलिंग की। ये सिचुएशन जो पैदा हो चुकी है हिंदुस्तान में नहीं पूरे वर्ल्ड में, कि डायरेक्ट सेलिंग का जो काम करने का तरीका है वो चेंज हो चुका है, बहुत आसान हुआ है। एक तो क्या हुआ, जो परिस्थितियाँ अभी जो पैदा हुई हैं, जो परिस्थितियाँ पैदा हुई हैं दोस्तों, परिस्थितियाँ ये पैदा हुई हैं कि जो भी चीज़ें वो डायरेक्ट सेलिंग के लिए अनुकूल हो चुकी हैं। कैसे अनुकूल हो चुकी हैं? कि लोग एक्स्ट्रा इनकम चाहते हैं, लोग इम्यूनिटी को जान गए हैं, लोग एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम चाहते हैं, लोग एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, जॉब के ऊपर गाज गिरी जा रही है, जो बिजनेस थे उनके अंदर बहुत अनसर्टेनिटी पैदा हो चुकी है, तो लोग डायरेक्ट सेलिंग की तरफ जा रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कौन कह रहा है, ये प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग सबसे ज़्यादा रोजगार पैदा करने वाली इंडस्ट्री बनने वाली है। ये कौन बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं अमिताभ पंत, जो IAS ऑफिसर है और नीति आयोग के CEO है। नीति आयोग क्या है? जो पूरी अर्थव्यवस्था को देखती है, उसके CEO हैं। वो क्या बोलते हैं? वो ये बोलते हैं कि अगर सबसे ज़्यादा रोजगार का पैदा करना है तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाइए, लेकिन वो तो पॉसिबल नहीं है अभी इतने जल्दी, और कितने रोजगार देगी? या जो डायरेक्ट सेलिंग है वो सबसे ज़्यादा रोजगार देगी। ये दोस्तों मैं नहीं बोल रहा हूँ, गूगल पर जाके देखिए, सर्च करिए, आपको सब कुछ दिखाई देगा। और दूसरा, कॉलेजों में पढ़ाया जा रहा है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या है, और अब जो परिस्थिति पैदा हुई है, जो परिस्थिति पैदा हो चुकी है कि डायरेक्ट सेलिंग की तरफ लोग आ रहे हैं और अपने आप आएंगे, ये परिस्थिति फेवरेबल हो चुकी है। और दूसरा क्या, और अच्छा काम क्या हुआ है? अच्छा काम ये हुआ है कि अब बहुत आसान हो चुका है डायरेक्ट सेलिंग को करना। मैं एक और बात बोलना चाहूंगा दोस्तों, जो लोग पहले डायरेक्ट सेलिंग किया करते थे, कोई नौकरी करते थे, बिजनेस करते थे, उनको जब मीटिंग ट्रेनिंग अटेंड करने जाना होता था तो उनको अपनी जगह से उठना पड़ता था। जो लोग पार्ट टाइम करते थे उनको एक्स्ट्रा टाइम निकाल कर मीटिंग ट्रेनिंग अटेंड करनी पड़ती या किसी घर में जाना पड़ता था। तो ऐसे में हुआ कि जिन लोगों को सफलता नहीं मिली या जो लोग एजुकेट नहीं हो पाए, या सफल कौन हुए? सफल वो लोग हुए जिन्होंने इस चैलेंज को दरकिनार रखा, साइड रखा और अपने सपनों के ऊपर ध्यान दिया, और वो लोग सफल हो गए। उन लोगों ने हार्डवर्क कर लिया, लेकिन जो लोग हार्डवर्क नहीं कर पाए उनके मन में क्या आया कि जब वो निकलते थे, भागते थे, दौड़ते थे, लोगों के पास जाते थे, लोग उनको ना करते थे, मना करते थे, जब मना करते तो दिल में दर्द होता था। एक तो फिजिकली उनके पास टाइम लगाया और पसीना भी बहा, और उसके बाद क्या हुआ ना, एक नाकामी मिली। तो वो नाकामी भी क्या हुआ, धीरे धीरे उनके सबकॉन्शियस माइंड में चली गई। जब सबकॉन्शियस माइंड में गई तो जब भी वो नेटवर्क मार्केटिंग की बात करने की बात आती है, वो जो दर्द जब भी वो करने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं वो दर्द जो उनके दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड में चला गया, वो दर्द का एहसास होता है। इसकी वजह से बेचारे वो आ ही नहीं पाते। लेकिन दोस्तों आज बिल्कुल राइट टाइम आ चुका है, बिल्कुल सही समय आ चुका है। आप लोगों को बताइए, समझाइए, दिखाइए कि ये बिजनेस कितना आसान हो चुका है, कितना आसान हो चुका है कि जो व्यक्ति घर के अंदर बैठा हुआ है वो घर के अंदर मीटिंग कर सकता है, जो व्यक्ति अपनी दुकान के अंदर बैठा हुआ है वो दुकान में बैठकर अपने 1000 लोगों की मीटिंग दुकान से करवा सकता है, जो व्यक्ति घर के अंदर बैठा हुआ है वो घर के अंदर होम मीटिंग में अपने घर में, और लोग जो अपने घरों के अंदर बैठे हैं वो अपने घरों में बैठकर प्लान को समझ सकते हैं। देखिए मैं आप लोगों से बात करना चाहूँगा, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, नेटफ्लिक्स बहुत तेजी से ग्रो किए। क्यों ग्रो किए? क्योंकि वो लोगों के घरों के अंदर पहुंच गए, लोगों के घरों में पहुंचे, क्या लेकर पहुंचे, लोगों को जो चाहिए था, लोगों को सर्विस दी, फास्ट सर्विस दी, क्वालिटी के प्रोडक्ट उनके घर में पहुंचाए, तब वो इतने बड़े हुए। अब आप सोचिए कि जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है वो कितना बड़ा बिजनेस है। वो ये तीन चीजों देगा ही देगा, लेकिन साथ में एक इनकम अपॉर्चुनिटी दे रहा है। वो सिर्फ इनकम अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा है दोस्तों, साथ में सपनों को पूरा करने वाली अपॉर्चुनिटी दे रहा है। और ये मैं नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, इतना हार्ड वर्क करके लोगों ने इतने बड़े सपने ले लिए। अब जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है दोस्तों, वो बड़े सपने तो पूरा करेगा, अपॉर्चुनिटी भी है, साथ में दोस्तों इसको करना भी आसान हो गया है, बहुत आसान हो गया है। इससे बड़े सपने पूरे होते हों और जो आसानी से पूरे होते हैं, काम करने का तरीका आसान हो, तो दोस्तों सभी लोगों को सफलता मिलेगी। और मैं तो ये कहना चाहूँगा दोस्तों, जो लोग जो मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस नहीं किया, इसको करना शुरू कीजिए। पहले पुराना करने का तरीका अलग था, लेकिन आज जो पूरी दुनिया का जो सिनेरियो है वो चेंज हो चुका है,
डायरेक्ट सेलिंग को लेकर भी, इसको काम करने के तरीकों को भी पूरा बदलाव आ चुका है। ये अपॉर्चुनिटी आपके पास है, इसको अपनाइए, यूज़ कीजिए। विद इन 4 to 5 ईयर्स देखिए ज़िंदगी में कितने बदलाव आएंगे, क्योंकि अब ज़माना बदल चुका है, सोच बदल चुकी है। इस लॉकडाउन ने लोगों के दिमाग को अनलॉक कर दिया है, डायरेक्ट सेलिंग के की सोच जैसा पहले सोचा करते थे उसकी सोच को बदल दिया है। इन दिनों देखिए एक बात कहना चाहूँ, इन दिनों ये जो टेक्नोलॉजी आई है ना, इससे हुआ क्या है, जितना लोगों ने पिछले 3 साल 4 साल में ट्रेनिंग ली थी उससे कहीं ज़्यादा ट्रेनिंग इन 3 महीने मिली है। जितने लोगों ने मीटिंग अटेंड करी थी उससे कहीं 3-4-5-6 गुना ज़्यादा लोगों ने इन 2-3 महीनों के अंदर लोगों ने ट्रेनिंग अटेंड करी है। तो जितने लोग सीखना चाहते थे बिजनेस को, जितने लोगों ने 3-4 साल में सीखा है उससे कहीं ज़्यादा लोग ट्रेंड हुए हैं इस 2.5 महीने के अंदर। अब सोचिए क्या होने वाला है, कितना कुछ होने वाला है, अवसर आपके पास है। मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जो लोग छोड़ चुके हैं ना बिजनेस को, और जो लोग लगातार बिजनेस को कर रहे हैं, अपने दोस्तों के पास जाइए, लोगों के पास जाइए, उनको तरीके से बताइए ये बिज़नेस बहुत आसान है, बहुत आसान है। आसान कैसा है, सिर्फ ऑनलाइन एजुकेशन लेनी है, वहीं बैठ के कर सकते हैं, घर में बैठ के कर सकते हैं। और एक व्यक्ति जिसके पास 100 लोगों की लिस्ट है, वो एक जगह पर बैठकर एक ही दिन में आधे घंटे में 100 लोगों की मीटिंग करा सकता है, 1,000 लोगों की मीटिंग करा सकता है, पूरी दुनिया में मीटिंग करा सकता है इस ऑनलाइन के माध्यम से। तो क्या दिया आपने, आपने तो वही दे दिया जो लोग चाह रहे थे, जिस कम्फर्ट जोन में लोग रहकर अपने सपनों को पूरा करना चाह रहे थे वो दे दिया ना आपने, और दे दिया ना इस लॉकडाउन ने, दे दिया ना इस टेक्नोलॉजी ने। तो साहब ज़िंदगी आपकी है, ज़िंदगी आपके निर्णय आपने लेना है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो। एक प्रिंसिपल है 80 रूल क्या होता है कि जब आप 80 साल के हो जाएंगे, आपने जो अभी निर्णय लेना है अगर आपने वो नहीं लिया, जब आप 80 साल के हो जाएंगे तब आप अपनी दुनिया वापस सोचिएगा कि जब आप 80 साल के हो जाएंगे तब वापस सोचिएगा कि अगर मैंने वो निर्णय ले लिया होता तो इस एज तक आते थे कि मैं कहाँ पर मैं पहुँच जाता, अगर मैंने निर्णय नहीं लिया तो आज मैं कहाँ पर हूँ, अगर मैंने निर्णय ले लिया तो मैं कहाँ पर पहुँच जाता। दोस्तों अगर 80 साल की एज पर जाने के बाद अगर ये आपको पछतावा होगा कि अगर मैंने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को कर रहा होता, लगातार कर रहा होता, तो आज मेरे पास हेलीकॉप्टर होता, आज मेरे पास बड़ी बड़ी इनकम होती, आज मेरे पास प्यार मान सम्मान इज्जत सवरत सब कुछ होता, काश मैंने कर लिया होता। तो दोस्तों आज कीजिए, अभी से कीजिए, छोड़ दिया तो दोबारा शुरू कीजिए, सपने को बनाइए, ड्रीम को बनाइए, करना बहुत आसान हो गया है, बहुत आसान हो गया है। विश यू वेल्थ, और मैं चाहूँगा कि आप लोग दोबारा से पारी को शुरू कीजिए, जो भी था जैसे भी था, माइंड सेट चेंज हो चुका है, दुनिया चेंज हो चुकी है, बिजनेस को देखने का तरीका, बिजनेस को करने का तरीका सब कुछ चेंज हो चुका है। आप अपने माइंड को चेंज करेंगे, अपनी सोच को चेंज करेंगे, डेफिनेटली आप भी सफल होंगे, और हम लोग आपके साथ हैं। ये पूरी डायरेक्ट सेलिंग जो इंडस्ट्री है बहुत ही शानदार इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, वो सपनों को पूरा करने वाली इंडस्ट्री है। विश यू वेल, थैंक यू वेरी मच।